देखो, मैं कह रहा हूँ इसका क्या मतलब हो सकता है कटारिया भाई? ये ना मानते मेरा बात ये ना छोड़ रखा थी पीछा। फोन नहीं छोड़ा, मेरे समझ नहीं आ रही है इसका मतलब क्या है? कांटा लगा दिया। और भाई एक चीज और कहनी थी कि तुम स्टिकर तो मिटा दोगे पर हमारे दिल से कैसे मिटाओगे? तो जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर से नेशनलिस्ट मीम पर होने वाली है। एक बार फिर मैं आपके लिए फनी के लिए भी सीरियस मैसेज लेकर आया हूं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, दिवाली आने वाली है तो उसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे ही हिंदुओं को कोई त्यौहार आता है तो हमारे देश में जो वामपंथी जो लेफ्टिस्ट बैठे हैं वे अपना ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आमिर खान ने अब एक ऐड बनाई थी और अब देखिएगा दिवाली पर भी अपना ज्ञान देना शुरू कर देंगे कि पर्यावरण की हमें रक्षा करनी चाहिए, हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। तो आप बड़ी धूमधाम से इस दिवाली को मनाइएगा, पर्यावरण की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि हमारे पास सारा साल पड़ा रहता है पर्यावरण की चिंता करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। तो आप निसंकोच होकर दिवाली को मनाइएगा। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए आप केजरीवाल सरकार के अंडर में किस प्रकार के तेजस्वी विद्यार्थी। दिल्ली का सीएम कौन है? दिल्ली का सीएम केजरीवाल। पूरा नाम बताना केजरीवाल का। पूरा नाम नहीं पता। अच्छा, पूरा नाम नहीं पता। 10th क्लास में पढ़। शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री नहीं पता मुझे। अच्छा, ये नहीं पता। राष्ट्रपति कौन है? मुझसे मत पूछो, मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। साफ सीधी बात है, मुझे पढ़ने जान। ऐसे बच्चे तैयार करेंगे। तू चुप रहे। पहला कदम कौन रखेगा? इस घर में नया कौन है? नया तो नहीं हूँ, मतलब वेलकम तमाचे। फिर मारने का आएगा तू? फिर मारने का आएगा? रुक, तेरे को बताते तेरी। मुझसे मैं 3 तलाक तो दे दिया, अब क्या? क्या अब हलाला होगा? हलाला करेगा कौन? यहाँ तो लाइन लगी है। डरावना है पर ये करना जरूरी है। आप भी बिस्मिल्लाह कीजिए। सुभान अल्लाह, इतने अच्छे से करवाने के लिए। सदियों से जो प्रथा चलती आई है वही चलती रहती है, ऐसा क्यों? क्या बढ़िया था गुरु। मुझे उस डिक्शनरी का नाम बताइए ना, कौन सी डिक्शनरी में स्वागत का मतलब मारना है? डिक्शनरी का नाम बताइए। अच्छा ठीक, जूते चप्पल से स्वागत का मतलब मारना नहीं होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो जी। सुशांत भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने आपके पास, अगर मेरे पास भी उस बात का जवाब नहीं है कि जूते चप्पल से स्वागत करने का मतलब कौन सी डिक्शनरी में ये लिखा है कि हम जूते मारने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के बयान ऐसे होते हैं जिस पर रिएक्शन देने से बेहतर, अब यहाँ भी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जिन पर रिएक्शन देने से बेहतर, ये मेरी डॉगी है ब्लैकी, इसके भौंकने पर मैं रिएक्शन भले दे दूं, उनके बयान पर नहीं दूंगा। ब्लैकी नाम है इसका। रिजवान भाई ये गलत किसी का नाम नहीं ले रहा। नहीं रिजवान भाई ये गलत बात, मतलब निकाल रहा है। मैंने उनको गेस्ट बुलाया, अब आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अगले साल भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हो जाएगा अयोध्या में। अभी भी जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं रामलला का दर्शन करने के लिए, लेकिन अगले साल तक पूरा भव्य मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। कौन कौन जाना चाहता है रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए? सब लोग जाना चाहते हैं, सबका मन करता है, लेकिन पैसे की कमी हो जाती है। आना जाना रहना खाना पीना और पूरा परिवार लेके जाओ तो और भी पैसे लगते हैं। मैं आपको फ्री में दर्शन कराऊंगा भगवान राम के अयोध्या में।
कल मैं सुब्रमण्य स्वामी साहब के घर को जाऊंगा, निजामुद्दीन को कहूंगा कि स्वामी साहब इस घर के नीचे मेरे बाबा दादा के खाने खान रहीम खान की घर घर है, दे देंगे आप मुझे? मैं निजामुद्दीन घर को चले जाऊंगा मैं, मैंने घर और जाकर एक मिनट जी, मैं घर छोड़ने के लिए तैयार हूं, आप मस्जिद छोड़ दीजिए लीजिए। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर दोनों को बराबर देखते हैं, मैं कहता हूं यू कैन नॉट डू दैट, क्योंकि मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है और नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, परंतु रामलला जहां पैदा हुए एक ही जगह है, वो है अयोध्या में, और इसीलिए मंदिर बनेगी रामलला के लिए तो वहीं बन सकती है और कहीं भी बन सकती है। आप मस्जिद कहीं भी बना सकते हैं, आप तो रेलवे प्लेटफॉर्म में नमाज पढ़ते हो, ओपन सड़क में नमाज पढ़ते हो, और सारे मुसलमान देशों में मस्जिद को तोड़ते हैं रोड बनाने के लिए, अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए, ईरान में करते हैं, सऊदी अरेबिया में करते हैं, सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिया है। तो इसीलिए ये मस्जिद और मंदिर को बराबर करना ये गलत है। अगर कोर्ट का फैसला ये आता है कि वहां मंदिर नहीं मस्जिद बने, तो क्या आप सहमत होंगे? तो उसको तो हम पार्लियामेंट में बदल सकते हैं। ताणी ताणी ब्रद संधि प्रदक्षिण पदे व्यसुनादा इतमगे मादा पुत्र मगे तन्नो जीसस प्रचोदयाद महायज्ञ महानिवेद्यम समर्पयामि। कुछ भी, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आंकड़ों का गणित का विद्यार्थी रहा हूं। अच्छा, गुजरात की कुल आबादी 6.5 करोड़ है, तो अगर आप देखें कि गुजरात पर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा, कुल आबादी सिर्फ 6.5 करोड़, यानी कि प्रति व्यक्ति कर्ज, प्रति व्यक्ति देनदारी करीब करीब 58,000 करोड़ की, आप सबकी, सभी गुजरातियों के सर पे 58,000 करोड़ का कर्ज गुजरात सरकार ने ला खड़ा की। यानी कि अगर आज गुजरात में कोई बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही पहले दिन से उस बच्चे के सर पे 58,000 करोड़ का कर्जा देनदारी चढ़ जाती है। ये सब लोग कंस की औलाद हैं, ये सब लोग कंस की औलाद हैं। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है, वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में बना हुआ है, गलत तो नहीं कर रहे? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी बनवा देती, हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी बनवा देती। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक में शेयर जरूर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।